हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 2 को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसका आज क्लास नंबर 9 है और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके पहले की 8 क्लासेस हो चुकी है। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और यूनिट 1 को मैंने बहुत ही डिटेल में कराया हुआ है और यूनिट 2 की 8 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने ये सारी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आप लोगों को सीक्वेंस वाइज लेक्चर मिल जाएगा। बाकी मेरे चैनल पे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर मिल जाएंगे। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ। सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ा करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी, साथ ही साथ उसके आंसर्स को प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे कि मेरी कोई न्यू वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप लोग वीडियोस को देख लीजिएगा तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कौन सी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें पढ़नी चाहिए। सिक्वेंस वाइज मैंने लेक्चर को कवर किया हुआ है, आप स्टार्टिंग से देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आज का क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम लोग क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉसियस और कैप्रॉन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके इक्वेशंस को दी थी, ठीक। तो हम लोग दोनों इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें डेरिवेशन है, डेरिवेशन ही एग्ज़ाम में आता है कि आप लोग डेराइव कीजिए क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन को और निकालना रहता है इसमें, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अगर आप लोगों को किसी तरह का डाउट होता है पेपर पैटर्न से रिलेटेड, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बना दी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। जो टॉपिक है क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग कैप्रॉन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद क्लॉसियस ने जो इक्वेशन दी थी उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, उसी का यूज़ होने वाला है यहाँ पर। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर देखते हुए चले हैं तो आप लोगों को आगे के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने। आज के बाद यूनिट 2 भी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी यूनिट 3-4 स्टार्ट करने की। एग्जाम से पहले आप लोगों का सब कुछ कवर हो जाएगा। नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा और प्रॉपरली लिखते हुए चलिएगा। और एग्ज़ाम मतलब एक दिन ऐसा निकालिए वीक में कि आप लोग नोट्स को रिवाइज भी कर सके, क्योंकि रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं, नोट डाउन नहीं कर रहे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, और नोट डाउन कर भी रहे हैं और रिवाइज नहीं कर रहे हैं तब भी कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग नोट डाउन करके रिवीजन भी करते रहिए। सबसे पहले हम लोग कैप्रॉन इक्वेशन के बारे में देखेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिएगा कैप्रॉन इक्वेशन। पहले कैप्रॉन ने इक्वेशन दी, फिर उसी का यूज़ करके क्लॉसियस ने भी एक इक्वेशन दी थी, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। कैप्रॉन की इक्वेशन थी dP/dt इज इक्वल टू ΔH/T ΔV। इसी को हम लोग डेराइव करने वाले हैं। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम में जो डेल्टा जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है इक्विलिब्रियम में, वो ज़ीरो होता है। तो हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी, मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाया हुआ है, उसमें टाइम लिया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और हमने गिब्स फ्री एनर्जी में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी का जो रिलेशन पढ़ाया हुआ था, उसमें मैंने आप लोगों को जो वेरिएशन बताया था डेल्टा जी का, वो था क्या था, dG इज इक्वल टू VdP। आप पेज पलट के देखिए, मैंने इसको भी आप लोगों को बताया हुआ, तो इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ये क्या है, वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी, इसमें चाहे तो लिख भी दीजिएगा वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी।
फ्री एनर्जी का वेरिएशन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। तो हमने दो इक्वेशन मान ली, पहले इक्विलिब्रियम पे जो गिव फ्री एनर्जी होती है वो जीरो होती है, और हम जानते हैं कि वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी जो कि वॉल्यूम टेम्परेचर एंट्रोपी के बीच में जो एक तरह का रिलेशन था वो था dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। हमने ये दो मतलब इक्वेशन को कंसीडर कर लिया। मान लेते हैं हमारा कोई एक सिस्टम है, ठीक, उसमें दो फेज है, एक फेज़ वन है और ये फेज़ टू है, इसमें दो फेसेस हैं। तो हमने कंसीडर किया दो फेस है जिसकी वजह से हम लोग dg की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें हम लोग चेंज निकालेंगे, फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। हम जानते हैं हमने दो फेस लिया है, तो हमने लेट अस कंसीडर टू फेस सिस्टम। तो पहले फेज के लिए तो क्या हो जाएगा, dg1 इज इक्वल टू v1 dp माइनस s1 dt। ये लिख सकते हैं कि नहीं, हम जानते हैं कि dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt होता है, लेकिन दो फेज हमने कंसीडर किया है। तो फर्स्ट फेज के लिए तो वो dg1 हो जाएगा इज इक्वल टू v1 dp माइनस s1 dt हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब सेकेंड फेज के लिए क्या हो जाएगा, dg2 इज इक्वल टू v2 dp माइनस s2 dt, इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि Δg0 का मतलब क्या होता है, Δg0 का मतलब होता है मतलब चेंज निकालना। हम जानते हैं g2 माइनस, अगर हम डेल्टा नहीं g2 माइनस g1 करते हैं तो वो Δg के इक्वल आता है, ठीक, तो ये हमारे इक्वल आता है। और हम जानते हैं Δg के इसके इक्वल जीरो है, तो मतलब g2 माइनस g1 जो चेंज है वो भी जीरो के इक्वल आएगा, ठीक। तो इसको यहाँ पर मत लिखिए, इसको यहाँ पर लिखवा देती हूँ तो कन्फ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए। क्लॉसियस इक्वेशन बताती है इस बारे में कि हमारा जो प्रेशर है dp/dt है वो हमारा कुछ हीट कुछ टेम्परेचर और कुछ वॉल्यूम में चेंज लाता है, ठीक। तो हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में Δg की वैल्यू जीरो होती है, फिर हमने देखा फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा, वो होता है dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर टू ले लिया। फिर हमने एक सिस्टम कंसीडर किया जिसमें दो फेज है, तो दो फेज की वजह से गिव्स फ्री एनर्जी निकाला, ठीक। तो लिख सकते हैं g2 माइनस g1 इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, Δg इज इक्वल टू g2 माइनस g1, इसको साइड में लिख लीजिएगा। हमने ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये कंसीडर किया, ठीक। उसी के साथ साथ अगर हम लोग ये हमने गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में निकाला, अब हम टेम्परेचर और प्रेशर में क्या निकाल सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली फॉर इक्विलिब्रियम हमारा t/dt हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में कुछ t अमाउंट और ऐड हो जाएगा, एंड प्रेशर में कुछ p/dp हो जाएगा, प्रेशर में भी कुछ ऐड हो जाएगा p/dp, ठीक। तो हम जहाँ पर ये चेंज है वहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं g2 प्लस dg2 माइनस g1 प्लस dg1 इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए मैंने इसको कैसे लिखा, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि टेम्परेचर में कुछ dt ऐड हुआ है, कुछ स्मॉल टेम्परेचर ऐड हुआ है, वैसे प्रेशर में कुछ स्मॉल प्रेशर ऐड हुआ है, तो हम लोग g में तो भी कुछ स्मॉल g जो कि डिफ्रेंशिएशन में ऐड होगा, g2 में कुछ स्मॉल g2 ऐड हो जाएगा, और माइनस का साइन तो है ही है, और g1 में कुछ स्मॉल g1 भी ऐड हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा g2 प्लस dg2 g1 माइनस dg1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें आगे देखते हैं, ये यहाँ से हो जाएगा g2 माइनस g1 प्लस dg2 माइनस dg1, ये था हमने। फिर उसके बाद यहाँ से हो जाएगा dg2 को एक साइड कर लेते हैं और माइनस dg1 को एक साइड कर लेते हैं, और बाकी ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू g2 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। हमने क्या किया, ये जो dg2 है और dg1 को एक साइड कर लिया, और जो g2 और g1 है ये कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में। क्यों कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा है g2 माइनस g1 कितने इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, मतलब g2 इज इक्वल टू g1 हो जाएगा, g2 और g1 इक्वल है, तो ये आपस में एक दूसरे कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा dg2 इज इक्वल टू dg1, ठीक।
तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई। फिर हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में देखा था, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन क्या थी कि डी जी वन इज इक्वल टू वी वन डी पी, इसी का यूज़ करेंगे। ठीक, इसी का यूज़ करेंगे तो जहाँ पर जी वन और जी टू की वैल्यू दिख रही है, डी जी वन और जी टू की वैल्यू जहाँ दिख रही है उसी को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि डी जी टू इज इक्वल टू डी जी वन है। तो डी जी टू की जगह हम लिख सकते हैं वी टू डी पी माइनस एस टू डी टी इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख सकते हैं वी वन डी पी माइनस एस वन डी टी। इसमें लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन आप लोग अच्छे से समझेंगे। एक बार फिर समझा देंगे, पहले लिख लीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वी टू डी पी माइनस वी वन डी पी इज इक्वल टू एस टू डी टी माइनस एस वन डी टी। देखिए v वाले को एक साइड कर लिया और s वाले को एक साइड कर दिया। फिर इसमें देखिए, इसमें डी पी कॉमन है तो डी पी को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा वी टू माइनस वी वन, ये हो जाएगा इसमें से एस टू माइनस एस वन हो जाएगा, डी टी को कॉमन ले लिए तो ये हम लोग चेंज को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v लिख सकते हैं और ये डी पी हो गया, इसको डेल्टा s लिख सकते हैं और ये डी टी हो गया। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं डी पी अपॉन डी टी निकालेंगे वो डेल्टा एस जो कि एंट्रोपी है अपॉन डेल्टा वी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए और ये इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जो एंट्रोपी अपॉन वॉल्यूम का चेंज आ रहा है, तो अगर ये चेंज रूम टेम्परेचर में होता है तो कुछ ना कुछ इसमें से जो लेटेंट हीट है या कह सकते हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है एंट्रोपी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। हम जानते हैं जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एच अपॉन टी होता है। ठीक, अगर हम रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो लिखेंगे इफ़ दिस चेंज, एक बार फिर समझा दूंगी, पहले इसको लिख लीजिए, इफ दिस चेंज अकर्स एट रूम टेम्परेचर टी एंड डेल्टा एच इज लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देन डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 5 से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। यही था हमारा क्लैपेरॉन इक्वेशन, दिस इज नोन एज क्लैपेरॉन इक्वेशन। और ये बहुत सारी चीज़ों में लगाया जा सकता है, जैसे कि हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, जैसे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या आ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है, वेपराइजेशन आ सकता है, सब्लिमेशन आ सकता है, तो इसमें ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा, कैन बी अप्लाइड टू वेरियस फिजिकल इक्विलिब्रियम लाइक मेल्टिंग। अभी मैं आप लोगों को मेल्टिंग और वेपराइजेशन निकाल के भी दिखाऊंगी कैसे इसका यूज़ हो जाता है, और किसी इसका यूज़ करते ही करते मैं आप लोगों को क्लॉसियस इक्वेशन भी बता दूंगी, सब्लिमेशन। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक, इसमें ये डेरिवेशन ही था, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है। देखिए क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कैप्रॉन इक्वेशन के बारे में देखेंगे, जो कि होता है डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। ठीक, इसको हमें डिराइव करना है। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम में जो डेल्टा जी होता है, गिव फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है वो जीरो होता है। ठीक, और हमने ये डिराइव करके रखा है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। फिर हमने एक सिस्टम को कंसिडर किया जिसमें दो फेज हैं, तो फर्स्ट फेज के लिए तो डी जी वन वी वन डी पी माइनस एस वन डी टी थर्ड इक्वेशन मान लिया, सेकेंड फेज के लिए भी ऐसा निकालेंगे, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लिया। फिर उसके बाद हमने देखते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है जी टू माइनस जी वन, मतलब जो चेंज होता है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से इक्विलिब्रियम में अगर हम निकालेंगे तो टेम्परेचर में कुछ स्मॉल टी का चेंज आएगा और प्रेशर में भी कुछ स्मॉल बी का चेंज आएगा। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब इसमें चेंज आ सकता है तो जी टू में भी चेंज आएगा, तो मतलब जी टू में कुछ डी जी टू का ऐड होगा, फिर माइनस का साइन जी वन में भी कुछ स्मॉल जी वन का ऐड होगा। ठीक, तो इसको हमने इसको लिख लिया, फिर उसके बाद इसको लिख लिया डी जी
G2 इसमें ऐड कर दिया, DG1 इसमें ऐड कर ली इज इक्वल टू जीरो। फिर इसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, DG2 माइनस G1 और माइनस प्लस माइनस और DG1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, यही चीज़ मैंने आगे भी लिखा हुआ है। तो इसके बाद इसमें से हम लोग जानते हैं G2 माइनस G1 इज इक्वल टू जीरो होता है, तो G2 इज इक्वल टू G1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सिर्फ इतना चाहिए, DG2 और DG1 चाहिए। ठीक, इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं हम। और फिर इसके बाद इसको इक्वल कर देते हैं, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल, इसके इक्वल हो जाएगा DG2 इज इक्वल टू DG1। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू रख देंगे थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से इसकी वैल्यू रख देंगे, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं V2dP माइनस S2dT इज इक्वल टू V1dP माइनस S1dT। ठीक, रख लिया। फिर उसके बाद V वाले टर्म को एक साइड कर लिया, S वाले टर्म को एक साइड कर लिया, जो इसमें कॉमन था इसको निकाल लिया और इसके चेंज को डेल्टा V लिख दिया और इसके चेंज को डेल्टा S लिख दिया। ठीक, फिर हम जानते हैं अगर इसको रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो कुछ इसमें टेम्परेचर और कुछ लेटेंट हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो कि एंट्रोपी होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। कहीं ये भी इक्वेशन दी गई तो इसको भी हम लोग मानेंगे कि क्लॉसियस की क्रैप्टन इक्वेशन है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग अच्छे फॉर्म में निकालना चाहते हैं, सही फॉर्म में निकालना चाहते हैं, रूम टेम्परेचर निकालना चाहते हैं, तो इसको डेल्टा एस की जगह हम लोग डेल्टा एच अपॉन टी लिख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 में जब डेल्टा एस की जगह डेल्टा एच अपॉन टी रख देंगे तो हमारे पास ये क्रैप्टन इक्वेशन निकल के आती है, जिसका बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेल्टिंग, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन में। अब मेल्टिंग क्या होता है, जो कि सॉलिड से लिक्विड बदलता है, या लिक्विड से कह सकते, हाँ सॉलिड से लिक्विड बदलता है, इसीलिए तो मेल्टिंग ही कहते हैं ना। वेपराइजेशन के लिए भी इसको मैं आप लोगों को निकाल के बताऊंगी, तब तक इतना नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। ठीक, अब इसमें डालिएगा फॉर मेल्टिंग इक्विलिब्रियम के लिए, इसमें आगे डाल लीजिएगा फॉर मेल्टिंग इक्विलिब्रियम। अब मेल्टिंग इक्विलिब्रियम के लिए निकालेंगे तो जो मेल्टिंग इक्विलिब्रियम के लिए जो डेल्टा एच होता है वो डेल्टा एच एम हो जाएगा। ठीक, मेल्टिंग के लिए निकाले, और मेल्टिंग में क्या होता है कि सॉलिड से मेल्ट होकर के वो लिक्विड बन जाता है। जैसे कि हमने कोई आइस रखा तो कुछ देर रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो वाटर का फॉर्मेशन बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मेल्टिंग प्रोसेस का यूज़ हो रहा है। ठीक, और डेल्टा एच डेल्टा एच एम के इक्वल हो जाएगा, और टी किसके इक्वल, टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और तो इस इक्वेशन को, जो क्लॉसियस कैप्रॉन का इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 6 डाल लेते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 जो कि था डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी था, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा एच एम अपॉन टी एम डेल्टा वी। डेल्टा एच की जगह डेल्टा एच एम लिख दिया, टी की जगह टी एम लिख दिया, और डेल्टा वी एज इट इज़ लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। और इसमें अब कुछ चीज़ों का यूज़ होने वाला है, जैसे कि VL और VS का। देख लीजिए, VL क्या होता है, ये होता है मोलर वॉल्यूम फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए मोलर वॉल्यूम का यूज़ होता है। ठीक, और VS क्या होता है, यहाँ पर जो डेल्टा V है यहाँ पर ही चेंज करेंगे, क्योंकि डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, VL माइनस VS लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि VL जो होता है मोलर लिक्विड फॉर वॉल्यूम, सॉरी मोलर वॉल्यूम फॉर लिक्विड होता है, और ये होता है मोलर वॉल्यूम फॉर सॉलिड के लिए होता है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू डेल्टा एच एम अपॉन टी एम वी एल माइनस वी एस, इसको लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम इसका इन्वर्स करते हैं, उल्टा कर दें, तो ये हो जाएगा डीटी अपॉन डीपी इज इक्वल टू टी एम वी एल माइनस वी एस अपॉन डेल्टा एच एम, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लीजिए। और जो ये इक्वेशन है ये बताता है वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विथ प्रेशर, मतलब प्रेशर के टर्म में जो वेरिएशन है मेल्टिंग पॉइंट का। तो लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इंडिकेट वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विथ प्रेशर,
एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें मेल्टिंग इक्विलिब्रियम के लिए निकालना है जो कि सॉलिड से लेकर के हमारा वाटर बन जाता है। तो हम जानते हैं हमने कैप्रॉन इक्वेशन निकाला था dP/dT इज इक्वल टू ΔH/T∆V और मेल्टिंग पॉइंट के लिए ΔH/ΔHm के इक्वल हो जाएगा, टेम्परेचर Tm के इक्वल हो जाएगा। तो वही मैंने पुट कर दिया इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। फिर ΔV की जगह VL-VS लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मोलर वॉल्यूम लिक्विड होता है और ये सॉलिड होता है, ठीक। तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं ΔHm Tm VL-VS, ठीक। तो इसके बाद हम लोग इसको इन्वर्स करके लिख सकते हैं dT/dP, मतलब इसको इन्वर्स कर दिया और ये ऊपर की तरफ चला गया और ये नीचे की तरफ आ गया। तो ये इक्वेशन इंडिकेट करता है कि मेल्टिंग पॉइंट में जो वेरिएशन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, प्रेशर के थ्रू ही चेंज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है वेपराइजेशन इक्विलिब्रियम। अभी मैंने बताया ना मेल्टिंग इक्विलिब्रियम के लिए और वेपराइजेशन इक्विलिब्रियम के लिए, देखते हैं इसमें। इसमें डालेंगे फॉर वेपराइजेशन इक्विलिब्रियम। वेपराइजेशन इक्विलिब्रियम के लिए हम जानते हैं वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से वो हमारा गैस बन जाता है या कह सकते हो वेपर बन जाता है। तो इसमें जो ΔH होगा वो किस फॉर्म में होगा, ΔH वेपर के फॉर्म में होगा। उसमें मेल्टिंग पॉइंट था इसलिए मेल्टिंग पॉइंट के फॉर्म में था, और इसमें भी VL और VS का यूज़ होगा, और इसमें टेम्परेचर जो होगा TB के फॉर्म में यूज़ होगा। तो ΔHV क्या है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ΔHV है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, और VL और VS तो मैंने बता ही दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और मोलर वॉल्यूम फॉर सॉलिड है। तो इक्वेशन नंबर 6 से हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 6 जो कि कैप्रॉन इक्वेशन थी उससे हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 वी हैव टू राइट dP/dT इज इक्वल टू ΔHV/TBVV-VL। यहाँ पर VV यूज़ होगा, ठीक। तो देखिए मैंने आप लोगों के प्रॉन इक्वेशन बताई, बस वहाँ पर H की जगह ΔHV यूज़ हो जाएगा और T की जगह TB यूज़ हो जाएगा, और ये वेपराइजेशन के लिए निकाल रहे हैं इसीलिए जो वॉल्यूम ऑफ वेपराइजेशन माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए इसमें यूज़ होगा। चाहे तो लिख लीजिए ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और VS क्या है, VV क्या है, V है वॉल्यूम ऑफ वेपर, ठीक। ये है, आप लोग देख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने इसको इक्वेशन नंबर 9 मान लेते हैं। तो जो VL है इज़ वेरी स्मॉल, जो VL है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है इन कंपेयर टू VV। तो हम VL की जगह 0 भी पुट कर सकते हैं अगर इसका हम कंपेरिजन करेंगे तो, VL जो बहुत ही छोटा है। तो हम ये लोग इक्वेशन नंबर 9 से लिख सकते हैं dP/dT इज इक्वल टू ΔHV, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा T और ये हो जाएगा VV, इसको इक्वेशन नंबर 10 मान लेते हैं, ठीक। हमने VL इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 10 मान लेते हैं। और हम जानते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है, तो लिखेंगे वी अज्यूम वेपर बिहेव्स लाइक एन आइडियल, एक आइडियल की तरह बिहेव करता है, PVV इज इक्वल टू RT। तो VVV इज इक्वल टू RT/P। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 10 से लिख सकते हैं, जहाँ VV है उसकी जगह RT/P लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 10 तो dP/dT इज इक्वल टू dP/dT इज इक्वल टू ये हो जाएगा ΔHV, नीचे आएगा RT² और ये मल्टीप्लिकेशन में P। तो इसको P को नीचे ले लेंगे, 1/P dP/dT, क्योंकि P के एक साइड कर लेंगे, और ΔHV/RT², यही है हमारा क्लॉसियस इक्वेशन। दिस इज नोन एज क्लॉसियस या क्लॉसियस कैप्रॉन ने इक्वेशन मिलके दी थी, क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन, और ये इक्वेशन डिराइव की थी क्लॉसियस ने, ठीक। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आप लोगों को समझाया। अगर आप साथ में नोट डाउन भी करते हुए चल रहे होंगे ना, तब आप लोगों को एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन, मतलब क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म। देख लीजिए, कभी भी शॉर्ट में भी पूछ लिया करता है कि आप लोग क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालिए। तो देखते हैं इसमें आगे, तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन, क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म। ठीक, तो हमारे पास क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन थी 1/P dP by dt इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन RT स्क्वायर। ये था हमारा क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन। ठीक, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल, इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल। तो और हम लोग देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रहा है, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर की लिमिट भी जाएगी। ठीक, तो इसको हम लोग, यहाँ पर प्रेशर की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी प्रेशर की लिमिट होगी। टेम्परेचर, अगर जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है वो T1 से T2 हो रहा है, एंड प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 से P2, प्रेशर और टेम्परेचर में कुछ चेंज हो रहा है, तो इसकी लिमिट बन जाएगी, ये हो जाएगा P1 से P2, P2 ये 1/P dP। ठीक, और उसको उधर dT को उधर भेज देंगे, तो ये dT उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T1 से T2 डेल्टा HV अपॉन R 1/T स्क्वेयर और ये dT। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/P का क्या होता है, 1/A का क्या होता है इंटीग्रेशन, log A होता है ना, तो इसको P है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, log P, और बेस हमारा E रहेगा, और लिमिट कहाँ से रहेगी, P1 से लेकर के P2 तक, और यहाँ से डेल्टा HV अपॉन R कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1/T स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/T, T1 से T2 लिमिट चली जाएगी। ठीक, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं, तो लॉग बेस ई P2 माइनस लॉग बेस ई P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन R, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये -1/T2 माइनस, फिर माइनस है तो -1/T1। ठीक, ये हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, a माइनस लॉग बी को लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए P2 माइनस P1, लॉग ए बाई बी हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा HV अपॉन R, इसको लिख सकते हैं 1/T, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेंगे, फिर -1/T2 लिख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ई P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन R, इसमें हम लोग LCM ले लेंगे तो T1 T2 LCM आ जाएगा, तो बचेगा T2 माइनस T1। ठीक, अब इसको बेस E था, इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसमें लिखेंगे कन्वर्ट इनटू लॉग 10, और जब लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ से 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लॉग बेस 10 हो गया, ये P2/P1 हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन R, इसको एज इट इज़ T2 माइनस T1 अपॉन T1 और T2। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 P2/P1 इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आएंगे तो डेल्टा HV अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन। एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन ये थी। ठीक, फिर उसके बाद दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन लगा दिया, और इसमें जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है T1 से लेकर के T2 तक, और प्रेशर में चेंज हो रहा है P1 से लेकर के P2 तक। ठीक, इसी की ये लिमिट बना दिया, तो यहाँ पर dT था तो इसको उधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर dT आ गया। फिर उसके बाद 1/P का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग बेस EP आ जाएगा, लिमिट P1 से P2 तक, और 1/T स्क्वायर का करेंगे तो इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने किया होगा, 1/T स्क्वायर क्या हो जाएगा,
टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई टी हो जाएगा। ठीक, ये इंटीग्रेशन है, आप लोगों ने क्लास ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, फिर उसके बाद हम जानते हैं अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं तो अपर लिमिट पी टू माइनस पी वन लोअर लिमिट, फिर उसके बाद यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी, फिर हम जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी होता है लॉग ए बाई बी, तो पी टू बाई पी वन हो जाएगा, इधर भी हम लोग सेम रख लेंगे। फिर उसके बाद इधर एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद लॉग टेन में इसको कन्वर्ट कर देंगे और 2.303 को नीचे हम इधर डिवीजन में ले आएंगे। तो ये है इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन डिराइव करने से बाद में आप लोग उसमें नीचे लिख दिया करिए कि क्या है ये, तभी एग्जामिनर को अच्छे से दिखेगा भी और साथ ही साथ उसको समझ में भी आएगा। बाकी आप लोगों का यूनिट टू कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग यूनिट थ्री या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे और आप लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी मेरे चैनल पर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।